जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसजे टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्सवे ग्रुप एग्जाम 2021 के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में कि सर प्लीज़ एयरफोर्स पे एक वीडियो बना दीजिए कि रिजल्ट कब आ रहा है, इनरोलमेंट कब आ रहा है। फाइनली जाके मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोग को मैं जो बताऊंगा मेरे भाई, वो एक एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखना चाहते हो तो देखो, अगर नहीं देखना चाहते हो तो अभी ही छोड़ के जा सकते हो, और फालतू के कमेंट आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आप लोग को चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले कि एयरफोर्स की रिजल्ट कब आने वाला है। मेरे भाई आप लोग को बता दूँ, एक जो जैसे कि एयरफोर्स का जो रिजल्ट है दोस्तों, लगभग लगभग 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम डेट से ठीक। 12 से आप लोगों का 18 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम था, आप लोगों को पता होगा मेरे भाई, ठीक है। और इसी के बीच में एग्ज़ाम आप लोगों को चला। इससे देखोगे तो जुलाई से अभी हम लोग का क्या आ गया है, सेप्टेम्बर हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन रिजल्ट का भी कोई अता पता नहीं है, ठीक है। जबकि उसमें बोला गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर मतलब कि आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन 30 दिन भी पार हो गया। 30 दिन पार होने के बाद मेरे भाई मतलब कि देखा गया कि फिर से एक नोटिफिकेशन आई कि उसमें बताया गया कि जल्दी आप लोग के रिजल्ट जो है दोस्तों जारी किए जाएंगे, ठीक है। वैसे ही करके दोस्तों इनरोलमेंट का भी वही हाल हुआ, मतलब कि इनरोलमेंट भी आप लोग को मतलब कि 31 मई को मतलब कि आने वाली थी, उसमें भी पोस्टपोन करके बोला गया कि आगे फिर आएगी इनरोलमेंट, और इनरोलमेंट भी अभी रोक दिया गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ ये दोनों चीज़ क्यों रोक दिया गया, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि यार लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये जानिए आप लोग, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे देखिए मेरे भाई रिजल्ट हो गया या इनरोलमेंट हो गया, ठीक है, दोनों को लेट होने का कारण है दोस्तों अभी जो टूर ऑफ ड्यूटी आप सुने हो, ठीक है। तो टूर ऑफ ड्यूटी शायद लागू होने वाला है, ठीक है। जो नया वाला इनरोलमेंट है इसमें भी लागू होगा शायद, और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी, ठीक है। तो उसी के कारण क्या है कि अभी रोक दिया गया। तो ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ एयरफोर्स वालों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, एक तरह से बोला जाए तो। ये पूरा चीज जो जाता है ना मेरे भाई, वो सब कुछ जाता है जो अपना जो डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो उन्हीं के वहाँ पे जो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर वही ऑफ इंडिया, तो उन्हीं के हाथ में वहीं पे जो भी मीटिंग चलेगी इसके अनुसार टूर ऑफ ड्यूटी क्या लागू करना है या नहीं करना है, ऐसा ही पब्लिश करना है या नहीं करना है, वो सब कुछ वहाँ से नोटिस मिलने के बाद ही एयरफोर्स कोई एक्शन लेने वाला है, ठीक है। अब तक एक्शन ले लेने चाहिए थे, लेकिन आप लोग ने मतलब कि देखे होंगे कि ट्विटर पर भी बहुत सारे मतलब लगभग 5 लाख से ऊपर मतलब आप लोग ने क्या किए थे, ट्वीट किए थे रिजल्ट और इनरोलमेंट को लेकर, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोग देख रहे होगे, ऐसा मैं नहीं बोला होगा मेरा ही वीडियो देख रहे हो आप, बहुत सारा वीडियो देख रहे होगे, बहुत सारे बंदे मतलब अनुमान लगा के बता रहे हैं कि ये डेट को आएगा, ये डेट को आएगा, वो डेट को आएगा, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं है ऐसा कि उस डेट को आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक्सपेक्टेड डेट जो बता सकता हूँ मेरे भाई, हो सकता है तो आप लोग को सेप्टेम्बर के 3rd वीक तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट और इनरोलमेंट दोनों सेप्टेम्बर 3rd वीक तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब सितंबर 3rd वीक तक वेट करके देख लो, आनी होगी तो आएगी, अगर नहीं आनी होगी मेरे भाई तो फिर हम भी लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सारा खेल जो है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में, ठीक है। वहां से जैसी मिलेगा वैसे ही वो एयरफोर्स को बताएंगे, एयरफोर्स फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे डालेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर कंफर्म कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी तो मेरे को लग नहीं रहा है कि 3rd सितंबर के बाद भी जाएगा, 3rd सितंबर के अंदर अंदर ही आप लोग को इनरोलमेंट और रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये पूरा चांस बनता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी बात नहीं आती है तो वो कोई दूसरी प्रॉब्लम उनकी होगी, लेकिन जहाँ तक पूरी चांस है कि 3rd वीक तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा रिजल्ट और इनरोलमेंट, ठीक है। बाकी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, अभी कोस्ट गार्ड के पेपर हैं आप लोग के, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट कोस्ट गार्ड के भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो उन पे आप लोग क्या कर सकते हो मेरे भाई, मतलब उसकी तैयारी कर सकते हो। एसएसजीडी का फॉर्म फिलअप किए होंगे, एसएसजीडी की तैयारी करो, रिजल्ट तो आने ही है, इनरोलमेंट तो आनी है, ज्वाइनिंग तो करनी है, ठीक है, सब कुछ होगा। बस आप लोग को मैं पूरा एक अवेयर कर दिया हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान थे और इतने सारे मैसेज आ रहे थे हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, कुछ कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे फाइनली एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना पड़ा। और बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है कि रिजल्ट किस डेट तक आ सकता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दे सकते हो, और इस वीडियो को प्लीज आप लोग जितना हो सके ना उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है। और टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर परेशान मत होइए, टूर ऑफ ड्यूटी लग रहे तो सभी के लिए लग रहे, आप लोग के लिए नहीं लग रहे, और टूर ऑफ ड्यूटी का पूरा मीनिंग तो जानो यार, अच्छी है एक तरह से मान लो, ठीक है, ये नहीं कि आपको ज्वाइन कर रहे हो भगा दे रहे हो वहां से, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, जब जानोगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को भी, ठीक है। बाकी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके लिए लागू हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
बाकी बात टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हर अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या SG स्टडी सर्च कर लेना टेलीग्राम पे और जाके मेरे भाई ज्वाइन हो जाना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ पे फ्री में आप लोग को देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कोई अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।